हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। हमारा अगला टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। तो ये मैकेनिकल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम और सेकंड मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में। तो मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में इनपुट हम फोर्स देते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ, और आउटपुट हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या लीनियर वेलोसिटी। नाउ इसमें हम तीन तरह के आइडियल एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, द थ्री आइडियल एलिमेंट आर। सबसे पहला मास एलिमेंट, सेकंड डैम्पर एलिमेंट जिसको हम फ्रिक्शन भी कहते हैं, और तीसरा स्प्रिंग एलिमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं हम मास एलिमेंट के बारे में। यहाँ पे एक मास एलिमेंट है जिस पे एक फोर्स लग रहा है एफ, और अगर इस पे फोर्स लगेगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा और इसका कुछ वेलोसिटी भी होगा। ओके, तो इन तीनों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इज इक्वल टू मास इनटू डीवी बाई डीटी। ओके, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, देन एफ विल बी इक्वल टू मास इनटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, वेयर वी इज डी एक्स बाई डी टी। नेक्स्ट डैम्पर एलिमेंट। तो डैम्पर एलिमेंट में ये सपोज करो दो पॉइंट पे लगा हुआ है, दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है डैम्पर एलिमेंट, और इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्स वन, और वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वी वन। यहाँ पे इनपुट हम लगा रहे हैं फोर्स इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स टू, और वेलोसिटी है वी टू। तो यहाँ पे एफ, या इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ या बी से। सो फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू फ्रिक्शन इंटू चेंज इन वेलोसिटी। ओके, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ इंटू वी, वेयर वी इज वी वन माइनस
वी टू एंड अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, सो दिस विल बी इक्वल टू f इंटू डी बाई डी टी एक्स वन माइनस एक्स टू एंड दिस विल बी f इंटू डी एक्स बाई डी टी वेयर x is x1 minus x2. Now, third is spring element. So, अगर एक spring element है जिसके initial point पे x1 displacement हो रहा है और इस पर इसको हम k से represent करते हैं और इस पर अगर हम force लगा रहे हैं इस direction में तो यहाँ पर displacement होगा initial position पे जो displacement होगा वो इस direction में होगा, यहाँ पे वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में आएगा और इस साइड डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x2 और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा v2. सो फोर्स F विल बी रिप्रेजेंटेड एज k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस v2 dt. ओके और अगर v1 माइनस v2 को हम v लिखेंगे देन F will be equal to k into integration of v dt. और इसको अगर हम displacement के form में लिखेंगे then F will be equal to k into v क्या होता है dx by dt और integration of differentiation will be integration of differentiation of x will be x, so this will be x1 minus x2 which can be written as k into x where x is x1 minus x2. Now next is mechanical rotational system. Mechanical rotational system. तो इस सिस्टम में हम इनपुट टॉर्क को लेते हैं और आउटपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एंगुलर वेलोसिटी को जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके तो टॉर्क ऐसे भी क्या होता है, टॉर्क इज ए मेजर ऑफ फोर्स जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट एक एक्सिस पर रोटेट करता है. नाउ अगर हम यहाँ पे इसका एलिमेंट के बारे में बात करें, इसमें तीन तरह का एलिमेंट होता है. यहाँ पे तीन तरह का एलिमेंट होता है, सबसे पहला इनर्शिया एलिमेंट जिसको हम इनर्शिया मास एलिमेंट भी कहते हैं, सेकंड टॉर्जियोनल डैम्पर एलिमेंट जिसको हम फ्रिक्शन भी कहते हैं और थर्ड है टॉर्जियोनल स्प्रिंग एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट अगर टॉर्क के वजह से ट्विस्ट करता है तो उसको हम टॉरिजन कहते हैं. तो सबसे पहला इनर्शिया एलिमेंट के बारे में देखते हैं. तो इनर्शिया एलिमेंट में यहाँ पे जो इनर्शिया इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ जे इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। एंड अगर हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखें तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, डी इंटू सॉरी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे अगर हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखेंगे देन टॉर्क विल बी इक्वल टू जे इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी। सेकेंड एलिमेंट है टॉर्जियोनल डैम्पर एलिमेंट, जिसको हम फ्रिक्शनल भी कहते हैं, फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस एलिमेंट को हम एफ या बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियली इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन से, और फाइनल पोजीशन पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू से। सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एफ या बी इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू होगा, एंड टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू फ्रिक्शन इंटू एंगुलर वेलोसिटी होगा। एंड अगर हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखें देन एफ इंटू डी बाई डी टी ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, इसको हम एफ ओमेगा भी लिख सकते हैं और इसको हम एफ डी बाई डी डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं। अगर थीटा को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, थीटा वन माइनस थीटा टू, और ओमेगा को क्या लिख रहे हैं, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। नाउ थर्ड है टॉरिजोनल स्प्रिंग एलिमेंट, टॉरिजोनल स्प्रिंग एलिमेंट। तो टॉरिजोनल स्प्रिंग एलिमेंट, जिसको हम स्टिफनेस भी कहते हैं, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग एलिमेंट है, इसके इस साइड एंगुलर टॉर्क लग रहा है इस तरफ थीटा इस डायरेक्शन में और एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, देन टॉर्क विल बी क्या हो जाएगा, के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इंटू डी टी। ओके, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हम डायरेक्टली लिख लिए, दिस विल बी ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, एंड टॉर्क विल बी के इंटू, अगर हम ओमेगा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखें, एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा। नाउ हमारा अगला सिस्टम है, दैट इज एनालॉगस सिस्टम। तो इस एनालॉगस सिस्टम में देखो, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है मैकेनिकल एलिमेंट में, उसको हम लोग एनालॉगस सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट कहने का मतलब है, जो भी तुम्हारा मैकेनिकल एलिमेंट है उसको हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से चेंज कर सकें। ओके, सो द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट
आर नोन एज एनालॉगस सिस्टम. ओके, तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट का मतलब इसको ऐसे समझो कि प्लांट और ह्यूमन दो अलग तरह का सिस्टम है. हमारे लिए जो ऑक्सीजन है, हम लोग क्या ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन. तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के नज़र में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है. तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन है उसी तरह से प्लांट के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड है. सिमिलरली मैकेनिकल में जो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल में वो वोल्टेज है. जो मैकेनिकल एलिमेंट को हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि फोर्स. फोर्स एक मैकेनिकल एलिमेंट हो गया. अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में हम कन्वर्ट करेंगे या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में लिखेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में फोर्स किसको डिनोट करता है, दैट इज़ वोल्टेज. वोल्टेज भी क्या है, एक तरह का फोर्स प्रोवाइड करता है. ओके, सो अगर हम मैकेनिकल सिस्टम में अगर हम फोर्स लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम क्या लिखेंगे, उसको वोल्टेज लिखेंगे. उसी तरह से देखेंगे जितने भी मैकेनिकल एलिमेंट है उसको हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में किस तरह से लिख सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम मैकेनिकल सिस्टम में दो चीज़ पढ़े थे. सबसे पहले मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम, मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम, तो मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में हम तीन एलिमेंट कौन कौन सा देखे थे. सबसे पहला मास, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट किए हैं, और इस मास पे एक फ्रिक्शन लग रहा है और एक स्प्रिंग एलिमेंट लग रहा है. सो यहाँ पे एफ जो है, इनपुट जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा. ओके, और फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एफ टू, और एफ थ्री किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में. और यहाँ पे मास भी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी एफ वन. सो अगर यहाँ पे इनपुट तुम इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ये क्या है, इनपुट है, ये फोर्स इनपुट है. ओके, सो अगर इनपुट इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. ओके, सो यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, राइट. जो नेट फोर्स अगर तुम देखोगे, तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो. दैट इज एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू माइनस एफ थ्री विल बी इक्वल टू जीरो. नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. सो F should be equal to F1 plus F2 plus F3. So, F can be written as F1 क्या होगा, देखो F1 कौन सा फोर्स है, मास पे लग रहा है. सो मास पे अगर फोर्स लगेगा, मास पे अगर फोर्स लगेगा, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट किए थे, एम डी वी बाई डी टी से. ओके, और डैम्पर एलिमेंट पे अगर फोर्स लग रहा है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, F इंटू बी से. ओके, F यहाँ पर भी लिख सकते हो या B भी लिख सकते हो. ओके, B इंटू वी से. और स्प्रिंग एलिमेंट में जो तुम फोर्स लगा रहे हो, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी से. ओके, तो हम यहाँ पे सेम इक्वेशन का यूज़ करेंगे. तो एफ वन क्या हो जाएगा, दैट इज एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस एफ टू. एफ टू किस पे लग रहा है, स्प्रिंग फ्रिक्शन पे. ओके, तो फ्रिक्शन को हम एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं या बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज बी इंटू वी वेलोसिटी. और F3 क्या हो जाएगा, F3 विल बी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से. सो K इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V dt. ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा पहला इक्वेशन. ओके, और इसको हम अगर सपोज करो, अभी तो हम इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखें, अभी हम इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखें. अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखेंगे, तो क्या होता है, वेलोसिटी को क्या करेंगे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देंगे. तो वी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, राइट, डी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो एम विल बी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी
स्क्वायर प्लस बी इंटू वी क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी और वी क्या है डी एक्स बाई डी टी तो क्या हो जाएगा के इंटू एक्स क्योंकि इंटीग्रेशन तुम करोगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी तो ये क्या बचेगा एक्स बचेगा राइट ओके तो ये दोनों इक्वेशन मेरा वन हुआ। सेकंड जो हमारा सेकंड मैकेनिकल एलिमेंट था दैट इज मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम तो सेकंड एलिमेंट जो है वो मेरा मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम है। अब देखो इसमें इसमें के यहां पे एक्ट कर रहा है ओके और यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं ओके अगर यहाँ से यहाँ सपोज करो रोटेट हो रहा है ये टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ एंगुलर वेलोसिटी हुआ और मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हम ले रहे हैं कोई एक सेक्शन ले लिया हम और के मेरा स्प्रिंग जो है स्प्रिंग एलिमेंट वो यहाँ एक्ट कर रहा है टॉरिजन स्प्रिंग एलिमेंट या स्टिफनेस को मेरा स्टिफनेस जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे टॉर्क जो लग रहा है यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इनपुट के राइट तो टी वन और यहाँ पे जो स्टिफनेस पे लग रहा है दैट इज टी टू और यहाँ पे जो तुम कनेक्ट किए हो जिस पे ये व्हील कनेक्ट किए हो वो तुमको फ्रिक्शन दे रहा है बी राइट यहाँ पे बी दे रहा है और वहाँ पे भी एक टॉर्क लगेगा टी थ्री वो भी उल्टा डायरेक्शन में ओके सपोज करो वो टी टू है और ये टी थ्री है तो सबसे पहले जो टॉर्क लग रहा है वो लग रहा है मास के इनर्शिया के कारण तो इनर्शिया क्या करेगा टॉर्क यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है अगर वो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इनर्शिया पे जो टॉर्क लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इनर्शिया एलिमेंट के कारण जो टॉर्क लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसी तरह से जो फ्रिक्शन हो रहा है उसमें भी जो टॉर्क लगेगा टी टू टाउ टू उसको वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस टॉर्क के और यहाँ पे जो स्टिफनेस है के और इसके कारण जो और इसमें जो टॉर्क लग रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाउ सो यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है नेट टॉर्क दिस विल बी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू सॉरी टॉर्क विल बी इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री सो यहाँ पे जो टॉर्क है दिस विल बी इक्वल टू पहला वाला किसके कारण लग रहा है ड्यू टू इनर्शिया सो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करेंगे देखो इनर्शिया के कारण जो टॉर्क लग रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जे इंटू डी यू मेगा बाई डी टी डैम्पर या फ्रिक्शन डैम्पर एलिमेंट में जो टॉर्क लग रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ इंटू ओमेगा से और स्प्रिंग एलिमेंट में जो टॉर्क लग रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं के इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी से तो यहाँ पे क्या होगा टी वन इज्कल टू क्या होगा जे डी ओमेगा बाई डी टी जो इनर्शिया के कारण इनर्शिया एलिमेंट पे जो टॉर्क लग रहा है सेकंड जो फ्रिक्शन एलिमेंट पे टॉर्क लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा बी इंटू ओमेगा और जो स्टिफनेस यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट पे जो टॉर्क लग रहा है दैट इज के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी और इसी को अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखे तो टाउ इज्कल टू जे ओमेगा क्या होता है डी ए डी थीटा बाई डी टी ओके तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी प्लस के इंटू ओमेगा को हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ बचेगा थीटा सो ये मेरा इक्वेशन टू हुआ। नाउ
अब हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहला इक्विवेलेंट सर्किट है, तीसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सीरीज में देखेंगे। तो सपोज करो यहाँ पे एक एलिमेंट लगा हुआ है वोल्टेज वी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे इंडक्टर, और यहाँ पे एक कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या होगा V1, यहाँ पे क्या हो जाएगा V2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V3। सो अकॉर्डिंग टू KVL नेट वोल्टेज ड्रॉप, नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा पूरे सर्किट में, इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। और V1 क्या है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो V1 क्या हो जाएगा, दैट इज I इंटू R, प्लस V2 क्या हो जाएगा, दैट इज L di by dt प्लस V3, यहाँ पे V3 होगा, V3 क्या हो जाएगा 1 by C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ऐसे ही हम वोल्टेज निकालते हैं। और अगर I को हम क्या, I को हम रिप्लेस कर दें dq by dt से, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर I को हम dq by dt से रिप्लेस कर दें, तो V शुड बी क्या होगा, L d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस R इंटू आई क्या हो जाएगा dq by dt प्लस 1 बाई C, I क्या हो जाएगा dq by dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq by dt क्या होगा, दैट इज q। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन थर्ड हुआ। सिमिलरली फोर्थ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पैरेलल सर्किट अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे R सपोज करो यहाँ है, L यहाँ पे, और C इस तरह से कनेक्ट किए हम पैरेलल में, और यहाँ पे जो करंट, यहाँ पे जो सोर्स यूज़ किए हैं, दैट इज़ करंट सोर्स I। नाउ इसमें सपोज करो करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, और इसमें करंट जा रहा है I3। ओके, सो अकॉर्डिंग टू KCL I should be I1 plus I2 plus I3। तो I is equal to क्या हो जाएगा, that is V by R, सपोज करो यहाँ पे वोल्टेज जो है इसके क्रॉस V वोल्ट है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा V by R, I1 is equal to क्या हो जाएगा V by R, I2 क्या हो जाएगा 1 by L integration of V dot dt प्लस I3 क्या हो जाएगा C into dV by dt। ओके, ये इक्वेशंस आपको नेटवर्क में मिल जाएगा, वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है इंडक्टर और कैपेसिटर में। नाउ अगर हम V को d phi by dt लिखेंगे, तो यानी कि चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है, इंड्यूस वोल्टेज कैसे होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट। तो अगर हम V को d phi by dt से हम रिप्लेस कर दें, तो I is equal to क्या हो जाएगा, दैट इज 1 by R या C into d square phi by dt। V को हम क्या करेंगे, d phi by dt लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा d square phi by dt square
प्लस 1 बाई आर, वी को क्या लिखेंगे, डी फाई बाई डी टी प्लस फाई सॉरी प्लस 1 बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी, तो क्या हो जाएगा फाई। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 4। ओके, तो चारों इक्वेशन को तुम कंपेयर करो, चारों इक्वेशन को कंपेयर करो यहाँ से। तो अगर हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को इस इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं, तो देखो वहाँ पे क्या था, फोर्स की जगह क्या यूज़ किया था हम, वी। देखो इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, इस इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें, तो देखो इक्वेशन वन को हम इक्वेशन थ्री से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं। एम की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें। ओके, इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करें, तो यहाँ पे फोर्स की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, एम डी वी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या है, एल डी आई बाई डी टी। तो एम को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एल से, डी वी बाई डी टी, यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी है। ओके, यहाँ पे वी वेलोसिटी है, तो डी वी बाई डी टी, तो यहाँ पे वी, और यहाँ पे क्या है, डी आई बाई डी टी, तो हम वी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, आई से। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी आई से रिप्लेस कर रहे हैं, और यहाँ पे बी को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, बी इंटू वी लिख रहे हैं, बी मतलब कि फ्रिक्शनल एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से, और वी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट से। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, सबसे पहले एफ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी से, वोल्टेज वी से। एम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम इंटू डी वी बाई डी टी, तो एम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से, डी वी बाई डी टी, यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी। ओके, तो वी वेलोसिटी को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, करंट से। देन बी इंटू वी, और यहाँ क्या है, आई इंटू आर, तो बी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से, और यहाँ पे वेलोसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, तो हम के को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन बाई सी से, राइट और यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी क्या है, दैट इज आई डी टी। ओके, उसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे f को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम वोल्टेज v से, वोल्टेज v से। m को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं l से। x को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, q से, बाकी सब वही है, q से। r dq by dt, यहाँ पे क्या है, b dq by dt, तो b को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r से, और dx by dt, तो x का यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या होगा, q। ओके, x का इक्विवेलेंट क्या होगा, q, और यहाँ पे k का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाई सी, और x का इक्विवेलेंट क्या होगा, q। तो यहाँ पे किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट से कंपेयर कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं हम एनालॉगस सिस्टम। नाउ हम यहाँ पे चारों इक्वेशन को साइड में रख दिए, तो देखो अगर हम इन दोनों को, फोर्स और टॉर्क को, जो पहला दोनों इक्वेशन ही कैसे हमको मिला, मैकेनिकल सिस्टम से। ओके, और ये दोनों हमको कैसे मिला, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। तो अगर हम मैकेनिकल सिस्टम का दोनों इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स टॉर्क वोल्टेज एनालॉगी, और सेकंड अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, जो मैकेनिकल सिस्टम का है, उसको अगर हम फोर्थ इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स टॉर्क करंट, करंट एनालॉगी।
तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, सबसे पहले फोर्स, ओके। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम फोर्स ले रहे हैं मैकेनिकल सिस्टम में, तो सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, तो फोर्स की जगह यहाँ पे क्या है, टॉर्क है, ओके। और फर्स्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं वी से, थर्ड इक्वेशन से, तो फोर्स की जगह यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, ओके। और फर्स्ट को हम कंपेयर करते हैं फोर्थ इक्वेशन से, तो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या है, करंट। नाउ अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में, अब इक्वेशन देखो, सबसे पहला क्या है, एम डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर। अगर हम इसको सेकंड से कंपेयर करते हैं, तो एम की जगह क्या है, जे, यानी कि फोर्स वाले इक्वेशन में अगर एम है, तो टॉर्क वाले इक्वेशन में वहाँ पे क्या है, जे। बस कंपैरिजन करना है हमको, और यहाँ पे जे है, फर्स्ट वाले को तुम कंपेयर करो थर्ड से, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे क्या है, एल, ओके। यहाँ पे एम है तो यहाँ पे क्या है, एल। नाउ तुम फर्स्ट को कंपेयर करो फोर्थ से, तो जहां पे एम है वहां यहां पे क्या है, सी। सिमिलरली जहां पे तुम्हारा, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड टर्म क्या है, बी डी एक्स बाई डी टी, ओके। तो बी डी एक्स बाई डी टी को हम सेकंड इक्वेशन में देखो, बी डी थीटा बाई डी टी हम लिखे हैं, राइट। तो यहां पे बी की जगह हम बी लिखें, और एक्स के जगह क्या लिखें, थीटा। अब देखो यहाँ पे बी डी एक्स बाई डी टी है, यहाँ पे भी क्या है, सेकेंड इक्वेशन में बी डी थीटा बाई डी टी है, थर्ड इक्वेशन में क्या है, आर डी क्यू बाई डी टी है, यानी कि बी की जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, आर लिख रहे हैं। और फोर्थ इक्वेशन में देखो क्या लिख रहे हैं, वन बाई आर डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, वन बाई आर। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी है, यहाँ पे क्या है, डी थीटा बाई डी टी है, थर्ड इक्वेशन में क्या है, डी क्यू बाई डी टी है, तो यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या लिख रहे हैं, थीटा लिख रहे हैं, क्यू लिख रहे हैं और फाई लिख रहे हैं, थीटा क्यू क्यू और फाई। फोर्थ टर्म देखो के एक्स, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, के टर्म यूज़ कर रहे हैं, और टॉर्क वाले इक्वेशन में भी हम के यूज़ कर रहे हैं, वोल्टेज वाले इक्वेशन में हम वन बाई सी यूज़ कर रहे हैं, और करेंट वाले इक्वेशन में हम वन बाई एल यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम एक्स यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम एक्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्यू यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे फाई यूज़ कर रहे हैं, ओके। एक्स क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट को हम वी के टर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। अगर हम ये सेकेंड इक्वेशन, सबका हम सेकेंड इक्वेशन कंपेयर किए, अगर हम सबका फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे वी था, इस इक्वेशन में ओमेगा है, इस इक्वेशन में आई है, और इस इक्वेशन में वी है, यानी कि पहले इक्वेशन में देखो फिर से, पहले इक्वेशन में वी है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, करंट है और वोल्टेज है। तो लास्ट एनालॉजी क्या होगा, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, करंट एंड वोल्टेज, ओके। नाउ हियर मास और इनर्शिया, मास एलिमेंट एंड स्प्रिंग एलिमेंट, ओके, कौन कौन सा, मास, ये मास एम, मास एम और इनर्शिया मास जे और स्प्रिंग एलिमेंट के, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव एलिमेंट,
बिकॉज दे आर एनालॉगस टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इस टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मास और इनर्शिया मास एलिमेंट है और स्प्रिंग एलिमेंट है, ये क्या है, कंजिग्यूटिव एलिमेंट है, क्योंकि एनालॉगस है, दे आर एनालॉगस टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यहाँ पे देखो मास और इनर्शिया मास एम एंड जे, ओके, ये किसके एनालॉगस है, एल और सी के। उसी तरह से यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये दोनों किसके एनालॉगस है, एल और सी के। यहाँ पे भी देखो ये किसके एनालॉगस है, वन बाई सी के, और ये किसके एनालॉगस है, वन बाई एल के। तो यहाँ पे मास और इनर्शिया मास किसके एनालॉगस है, एल और सी के, और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट जो के है, दैट इज़ ऑल्सो एनालॉगस टू वन बाई सी एंड वन बाई एल, दैट इज़ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इसलिए हम लोग इसको कंसेक्यूटिव एलिमेंट कहते हैं।